लैंथेनाइड व एक्टिनाइड में मुख्य अंतर, पहला डिफरेंस है लैंथेनाइड +2, +3, +4 ऑक्सीडेशन स्टेज दर्शाते हैं, जबकि एक्टिनाइड +2 से +7 तक ऑक्सीकरण स्टेज दर्शाते हैं। लैंथेनाइड ऑक्सोधनाइन नहीं बनाते हैं, जबकि एक्टिनाइड ऑक्सोधनाइन बनाते हैं। प्रोमेथियम पीएम के अलावा कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है, जबकि एक्टिनाइड सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। लैंथेनाइड यौगिक कम क्षार की होते हैं, जबकि एक्टिनाइड अधिक क्षार की होते हैं। लैंथेनाइडों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, जबकि एक्टिनाइडों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करता है, जबकि एक्टिनाइड में 5f कक्षक में। लैंथेनाइड का उपयोग, शुद्ध लैंथेनाइड का कोई विशेष उपयोग नहीं है, लेकिन बहुत से लैंथेनाइडों को जिसमें विशेष रूप से सीरियम तथा उससे बने यौगिकों के कई औद्योगिक उपयोग हैं। पहला है धातुकर्मी सक्रियों में लैंथेनाइड तत्वों से निर्मित मिश्र धातुओं को मिश्र धातुएं कहते हैं। इनका उपयोग अपचयक पदार्थ के रूप में किया जाता है। मिश्र धातु में सामान्यतः 30 से 35% सीरियम होता है, शेष लैंथेनाइड तत्व होते हैं। मैग्नीशियम मिश्र धातु जिसमें 30% मिश्र धातु और 1% जिरकोनियम होता है, से जेट इंजन के पुर्जे बनाए जाते हैं। Al2O3 का उपयोग क्रूप के लेंस में होता है। सीरियम लवण कपड़े रंगने व शीशा संचारक सेल में प्रयुक्त होते हैं। विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के हाइड्रोजनीकरण, द्विहाइड्रोजनीकरण तथा ऑक्सीकरण क्रियाओं में लैंथेनाइड यौगिक उत्प्रेरक के रूप में काम में आते हैं। सीरियम ताप व पराबैंगनी प्रकाश दोनों का अवशोषण करता है, अतः इसका उपयोग चश्मा के निर्माण में किया जाता है। Ne2O3 और Pr2O3 का उपयोग रंगीन कांच बनाने में किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ के भंजन हेतु सीरियम फॉस्फेट काम में लिया जाता है। गैडोलिनियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का उपयोग तापमान कम करने के लिए काम में लिया जाता है। गैस मेटल निर्माण व ग्लास पॉलिश करने हेतु सीरियम ऑक्साइड जिसे सीरिया के नाम से भी जाना जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। लैंथेनाइड लवणों का प्रयोग लेजर में भी किया जाता है। Nd2O3 को सेलेनियम ऑक्सीक्लोराइड में विलय करने पर एक प्रबल लेजर द्रव प्राप्त होता है।